हेलो बच्चों, अब देखते हैं ये सूडो फोर्स क्या चीज है। बेसिकली सूडो फोर्स नाम से ही क्लियर है, सूडो मतलब जो नहीं है या फॉल्स फोर्स। ठीक है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है और एक ग्राउंड फ्रेम यानी इनर्शियल फ्रेम, लेक्चर वन में आपको बता रखा है, कुछ फोर्स लगा रहा है और 10 kg की ऑब्जेक्ट 5 m/s² से चल रही है, तो इस आदमी के हिसाब से एक्सेलरेशन कितना आएगा, 10 × 5 यानी कि 50 न्यूटन। बट अगर इसी ऑब्जेक्ट को एक ऐसा बंदा देखे जो कि खुद 2 m/s² से चल रहा है तो क्या होगा, इस चीज़ को आप सोचने की कोशिश कीजिए। तो आपको ये ब्लॉक 3 m/s² से दिखेगा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से फोर्स कितना लगेगा, 30 न्यूटन। अब एक चीज़ समझिए कि अगर इस आदमी ने एक, यहाँ पे हम एक स्प्रिंग लगाते हैं, ठीक है ना, और ये एक टेंशन को फोर्स मीटर की तरह यूज कर रहा होता है, जो बैलेंस मीटर की तरह, तो ये लड़का तो एक फिक्स डिस्टेंस से स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया है, यानी कि स्प्रिंग की रीडिंग तो एक ही आती, और एक आदमी कह रहा है 50 न्यूटन है, एक आदमी कह रहा है 30 न्यूटन है, तो एक टाइम में दो रीडिंग सही नहीं हो सकती, दोनों लोग सही नहीं हो सकते। दैट मींस वन हैज टू बी करेक्ट। और हम जब रीडिंग जाके नापते हैं तो रीडिंग ये वाली स्प्रिंग दे रहा होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया ये आदमी जो इस तरह से न्यूटन लॉ लगा रहा है वैसे नहीं लगाना है, तो हम कहेंगे न्यूटन लॉ आर अप्लाइड ओनली फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम। आई बात समझ में इतनी। एक और एग्जांपल देखते हैं चलिए। अब एक लिफ्ट है ऊपर को जा रही है, ये एम मास का आदमी, फिर ग्राउंड पे खड़ा आदमी एफबीडी बनाता है, वो कहता है ऊपर एन लगा नीचे एम जी लगा और ये ए नॉट से ऊपर को जा रहा है, तो एन बराबर कितना हो गया, एम जी प्लस ए नॉट, ठीक है ना। लेकिन जो लिफ्ट के अंदर जो आदमी खड़ा है उसके लिए तो एक्सेलरेशन जीरो है, वो क्या कहेगा, वो कहेगा एन और एम जी बराबर है, एन बराबर एम जी। फिर से हम जाके अगर ये वेइंग मशीन बना दो तो वेइंग मशीन जो रीडिंग नाप रही है वो कितनी है, एम जी प्लस ए नॉट। तो हमको समझ में आ गया कि एक्सेलरेटेड फ्रेम से न्यूटन लॉ को अप्लाई नहीं करना चाहिए हमको। ठीक हो गई बात, ठीक है यहां तक सही। अब अगर हम एक काम करें, ये आदमी जो ये जो नॉन इनर्शियल, हमने बोल दिया ये लोग कहां खड़े हैं, ये लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम पे खड़े हैं। अब हम क्या काम करते हैं, इस आदमी ने फिर एफबीडी बनाया, इस बार इसने कहा देखिए एक फोर्स एफ, और बोला एक मैं यहां को 20 लगाऊंगा फोर्स, क्यों लगाऊंगा उसको छोड़ दीजिए, 20 को आप 10 × 2 भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और 10 × 2 क्या है, इस ऑब्जेक्ट का मास और किसका एक्सेलरेशन, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है ना, ये चीज है। तो क्या हो गया, F माइनस 20 बराबर 10 × 3 = 30 और F बराबर 50 न्यूटन आ गया, इसका आंसर भी सही आ गया। लेकिन अगर किसी से पूछो कि भाई तुमने ये क्यों लगाया, तो वो कहेगा भाई मैंने इसलिए लगाया क्योंकि इसको लगाने के बाद मेरा आंसर सही आ जा रहा है, ठीक है ना। तो डेट मीन्स ये आदमी 20 तभी लगा सकता है जब इसको सही आंसर पता हो। लेकिन आप ध्यान से देखिए, चलिए एक और पहले एग्जांपल देखिए। अब यहां देखिए, इसने कहा अच्छा अगर मैं ऑब्जेक्ट के मास को अपने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूं और अपने एक्सेलरेशन के उल्टे डायरेक्शन में लगा दूं। ध्यान से सुनिए, ऑब्जेक्ट के मास को अपने एक्सेलरेशन यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और वो फोर्स को उल्टे डायरेक्शन में शो कर दूं तो मेरा आंसर आ रहा है। तो अब ये हिट एंड ट्रायल से लेट अस चेक इट। अब हमने लिफ्ट वाले केस में क्या किया, ये आदमी ने आदमी के मास को अपने एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई करके उल्टे डायरेक्शन में लगा दिया, इसका आंसर फिर से क्या आ गया, एम जी प्लस ए नॉट। और इस तरह से हम कई जगह पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमको एक चीज समझ में आई कि इनर्शियल फ्रेम से अगर आप सूडो फोर्स लगा रहे हैं, एफबीटी बना रहे हैं, तो आप लिखिए एफ रियल, सारे रियल फोर्सेस का सम इज एम ए, ये ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करिए, सारे रियल फोर्स प्लस एक और फोर्स लगाइए सूडो फोर्स बराबर, फिर क्या लिखिए, एम ए, लेकिन ये ए कहां से होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ये जो सूडो फोर्स होगा, ये सूडो फोर्स आप क्या लिखेंगे, सूडो फोर्स आप लिखेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ किसका, जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम या ग्राउंड, समझ गए। तो ये कुल मिला के आपका सीन बना, ठीक है। आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम से काम करने में एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देना है, जो एक्चुअली फोर्स है नहीं, क्योंकि उसका कोई एक्शन रिएक्शन जोड़ा नहीं बन रहा है, कोई एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, वो सिर्फ हमने इसलिए लगाया है कि सूडो फोर्स लगा देने से हमारा आंसर करेक्ट हो जा रहा है। अब आप कहेंगे सर क्या इनर्शियल फ्रेम से आंसर आ सकते हैं, यस, जो भी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम होगी, जो भी एफबीटी की प्रॉब्लम होगी, वो इनर्शियल फ्रेम से आंसर देगी।
फिर आप पूछेंगे सर फिर हम नॉन इनिशियल फ्रेम से काम ही क्यों करें। नॉन इनिशियल फ्रेम से इसलिए काम करें क्योंकि 95% टाइम्स क्या होगा, प्रॉब्लम इनिशियल फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉन इनिशियल से भी, ठीक है ना। बट 5% प्रॉब्लम में क्या होगा, जब आप नॉन इनिशियल फ्रेम से सॉल्व करोगे तो नॉन इनिशियल फ्रेम से सॉल्व करने में आपका जो टाइम है वो सेव हो जाता है। बस यही एक रीजन है, और क्योंकि हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं जहां पे टाइम हमको सेव करना होता है, इस वजह से हमको बेनिफिट मिल जाता है। तो हम सूडो फोर्स क्यों लगाते हैं, सूडो फोर्स हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे टाइम की सेविंग हो जाए, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम एक दो एग्जांपल में देखते हैं कैसे सूडो फोर्स अप्लाई करना है। तो अब देखिए कुछ एक प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए लिफ्ट नीचे को आ रही है, इसमें दो केस बनेंगे, देखना बेटा, नीचे को आ रही है और उसका एक्सटेंशन डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि लिफ्ट ऊपर को जा रही हो लेकिन रिटार्डेड हो, तो अगर ऊपर को जाती लिफ्ट की स्पीड कम हो रही है, रिटार्डेशन है, तो भी एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। और अगर नीचे को आती लिफ्ट फास्ट हो रही है तो भी उसका एक्सेलरेशन नीचे ही होगा। तो अब अगर इनर्शियल फ्रेम से काम करेंगे, यानी कि ग्राउंड फ्रेम पे जो आदमी खड़ा होगा वो कहेगा भाई एक एन लग रहा है, एक एम जी, और ये आदमी नीचे को आ रहा है तो ये कहेगा एम जी माइनस एन बराबर एम ए नॉट, और ये रीडिंग दे देगा कि इतना होना चाहिए। तीन केस बन जाएंगे, अगर ए नॉट जी से कम है तो एटलीस्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बना रहेगा, ए नॉट जीरो है तो जस्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है, और अगर ए नॉट जी से बड़ा हो गया तो नॉर्मल नेगेटिव हो गया, मतलब ये लिफ्ट आने लगेगी नीचे को, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, तब ये आदमी जो है ये किसमें गिर जाएगा, फ्री फॉल में, है ना, मतलब इसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि लिफ्ट का नीचे को आ रही है लिफ्ट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो 2 सेकंड में ये बंदा कितना चलेगा, तो 2 सेकंड 2 सेकंड ही विल मूव अकॉर्डिंग टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अगर वो लिफ्ट सडनली गिरी है यू जीरो से है तो आप उसको हाफ ए टी स्क्वायर कर देंगे, हाफ जी टी स्क्वायर कर देंगे, जी की वैल्यू 10 होगी क्योंकि कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है। जब तक नॉर्मल पॉजिटिव है तब तक लिफ्ट का एक्सटेंशन और इस आदमी का एक्सटेंशन सेम होगा, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट खत्म हो गया है तो फिर ये आदमी फ्री फॉल में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसी चीज को अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से कोई देखे, ठीक है ना, तो सॉरी नई प्रॉब्लम है ना, तो सेकंड प्रॉब्लम, अच्छा इसको हमने नॉन इनर्शियल से नहीं देखा ना, तो इस प्रॉब्लम को अगर हम सेम प्रॉब्लम को अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं तो क्या होता, तो ये लिफ्ट पे जो खड़ा हुआ आदमी है ये कहता है भाई इसका वेट एम जी लग रहा है, ये एन है, लेकिन इस आदमी के हिसाब से फिर एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये आदमी और ये आदमी एक ही फ्रेम पर खड़े हैं। तब ये अगर FBT ऐसे बना देगा तो आंसर गलत आ जाएगा, लेकिन इसको क्या करना है, इसको mg n, और क्योंकि ये आदमी खुद नीचे को जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, a नॉट से, तो ये ऊपर को एक सूडो फोर्स लगा देगा ma नॉट, तब ये कहेगा कि मेरे को एक्सेलरेशन इसलिए जीरो आ रहा है क्योंकि n प्लस ma नॉट माइनस जो mg है वो कितना हो जा रहा है, जीरो, तो n फिर से इसका कितना आ जाएगा, एम जी माइनस ए नॉट, ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से आप किसी भी फ्रेम से काम कर सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, इस बार ये ट्रॉली में पेंडुलम हैंग कर रहा है, ठीक है ना। ट्रॉली जब आगे बढ़ती है तो ये हमारा ऑब्जर्वेशन है कि ये पेंडुलम पीछे आके स्टैटिक होता है, अगर इसको हम धीरे धीरे लाएं, अगर छोड़ देंगे एक झटके से तो ये ऐसे करके इस लाइन पे आके ऑसिलेट करेगा, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर्स में या ऑसिलेशन वाले चैप्टर्स में। फिलहाल ये हम इसको धीरे धीरे लाके स्लोली आया है और यहाँ पे आके रुक गया है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से, सॉरी, अगर इनर्शियल फ्रेम से बंदा देखेगा तो क्या कहेगा, एक टेंशन टी, एक फोर्स एम जी, बस, और इसको क्योंकि ये आगे को ए नॉट से जा रहा है तो इसको आगे जाता हुआ देखेगा कितने से, ए नॉट से। टी के कंपोनेंट कर लेते हैं, टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा, तो टी कॉस थीटा बराबर एम जी, टी साइन थीटा बराबर एम ए नॉट, टेन थीटा बराबर हमने निकाल लिया ए नॉट अपॉन जी। अब इसी चीज को अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि ट्रॉली के अंदर कोई आदमी हो और वो देख रहा हो तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई एक फोर्स टी लगेगा, एक एम जी लगेगा और एक सूडो फोर्स लगाएगा, और इसके हिसाब से ये रेस्ट पर है तो इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम की पोजीशन बन रही है, तो ये कहेगा भाई टी साइन थीटा प्लस एम ए नॉट बराबर एम इंटू जीरो, क्योंकि मुझे चलता हुआ नहीं देख रहा। तो ध्यान रखिएगा यहां पर भी एम ए नॉट आया था, बट यहां पे ए नॉट क्या था, इफेक्ट था, और ये मास इनर्शिया वाला था। यहां पे एम ए नॉट एज अ होल है, ये एक कॉज है, चाहे सूडो कॉज है, कॉज माने फोर्स, फोर्स इज द कॉज, एक्सेलरेशन इज द इफेक्ट, तो चाहे सूडो फोर्स है तो टी साइन थीटा बराबर एम ए नॉट, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और टेन थीटा बराबर आपका क्या हो जाता है, ए नॉट अपॉन जी, आंसर दोनों सेम निकालेंगे। अब यहाँ की प्रॉब्लम्स में क्या हो रहा है कि हमको कोई एडवांटेज नहीं दिख रहा है टाइम का, कि सर लगभग तो सेम टाइम लगा, तो मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने थोड़े ना बोला कि भाई हर जगह जाके सूडो फोर्स काम आ जाएगा, मैंने क्या बोला, मैंने कहा 95% प्रॉब्लम्स में क्या होगा, सूडो फोर्स और नॉर्मल तरीके से सेम टाइम लगेगा, 5% प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहां पे सूडो फोर्स आपको काम देगा, लेकिन अगर वो 5% प्रॉब्लम एग्जाम में आ जाती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है
कि एग्जाम में 80% आने वाली जो प्रॉब्लम होगी उन 5% में से होंगी जिनको आप सूडो फोर्स लगा के ठीक कर सकते हैं जल्दी से, ठीक है ना। तो अब आप पहले समझिए सूडो फोर्स कहां पे मदद करेगा और क्यों सूडो फोर्स काम करता है, एक्चुअली क्यों उससे कम टाइम लगता है। देखिए अगर एक हमारे पास वेज हो, इसको बोलते हैं वेज, अगर हमारे पास एक वेज हो फिक्स और इस पे एक ब्लॉक फिसल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहां से देखोगे, दो लोगों को पकड़ लेते हैं, एक ऑब्जर्वर ग्राउंड से, ग्राउंड वाले को कहेंगे तुम ब्लॉक को देखो, इसको ब्लॉक इस लाइन पे दिखता हुआ दिख रहा होगा कितने पे, थीटा एंगल पे, ठीक है ना। और एक ऑब्जर्वर को हम इस वेज पे बिठा देते हैं, कहते हैं भाई तू देख, यहां बनाते हैं, यहां पे बना देते हैं, इसको भी ये इसी लाइन पे जाता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि दोनों की लाइन सेम होगी। लेकिन अगर ये वेज खुद आगे को बढ़ रहा हो तो क्या होगा कि जितनी देर में ये ब्लॉक यहां से यहां फिसलता हुआ आएगा उतनी देर में ब्लॉक आगे भी बढ़ चुका होगा, यानी कि जो ऑब्जर्वर इस पर खड़ा होगा उसे तो हमेशा, देखिए उसे तो हमेशा ये इस लाइन पे जाता दिखेगा, होगा कि नहीं। जैसे आप ये समझो इसके ऊपर ये आदमी खड़ा है, ठीक है ना, तो आप ये समझिए कि ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, ये एक प्लेन मान लीजिए, ये एक ऑब्जर्वर मान लीजिए, और कोई चीज ले लेते हैं कुछ दिखने का, ये ठीक है, इस चीज को आप समझिए, ठीक है, इसको लाइट आप विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये ऑब्जर्वर है, इसको काले वाले को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, ये चीज इस पर फिसल रही है, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ मैं चाहे चलूं चाहे पीछे चलूं, जब मैं रुका हुआ हूं तब भी इसके हिसाब से ये चीज इस पर फिसल रही है, ये चलने लगे तब भी क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। यानी कि आपकी बस रुकी हुई हो, आप ऐसे करके अपनी किताब को या अपने हाथ को तिरछा कर दो, एक अपनी बुक ले लो, कोई भी सरफेस ले लो, उस पर सिक्का फिसलवाओ तो इस पर गिरेगा। और अगर आपकी बस चल रही होगी तो आपका हाथ भी तो उसी हिसाब से चल रहा होगा, आप समझिए इस बात को, अगर आपकी बस चल रही होगी तो आपका हाथ भी चल रहा होगा, आपको तो सिक्का हमेशा ऐसे ही दिखेगा ना, अपने आगे तिरछा जाता होगा आगे बस में। लेकिन अगर कोई बाहर से देख रहा हो और बस चल रही हो तो सिक्का नो डाउट इस पे जाएगा, लेकिन जब मेरी ये जो फिंगर है ये सिक्का अगर है, अगर ये इस पे लुढ़क रहा हो तो साथ में बस आगे जा रही है तो ये प्लेटफॉर्म भी आगे जा रहा होगा, तो सिक्का ऐसे की बजाय इस तरह से जाने की बजाय सिक्का आगे भी निकल रहा होगा। तो होगा क्या, अब अभी भी जो वेज पे खड़ा आदमी होगा उससे पूछोगे कहां गया तो वो कहेगा भाई ब्लॉक तो मेरा अभी भी वैसे ही गया, लेकिन ग्राउंड वाला कहेगा कि नहीं भाई अब तो लाइन ही बदल गई, अब तो वो इस लाइन पर गया, समझ रहे हो। तो ये किसके हिसाब से लाइन हो गई, ये एक्स या वाई जो भी आपको कहना है, ये एक्स हो जाएगा ब्लॉक का किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज के रिस्पेक्ट में, समझ गए। अब क्या है, ग्राउंड से अगर आप वेलोसिटी या एक्सीलरेशन देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से जो एक्सीलरेशन आएगा वो आपका कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, समझ गए। तो आपको जब ग्राउंड से देखना है तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि ब्लॉक वेज पे कितना फिसला, और फिर आपको उस पर एड करना पड़ेगा कि वेज खुद कितना चला। लेकिन जब आप वेज पे बैठोगे तो आपको सिर्फ सिंपल मोशन हो जाएगा, यानी कि यहां पर आप काम करोगे तो आपके दो वेरिएबल जनरेट होंगे, एक एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज और एक एक्सेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यानी जब आप ग्राउंड से काम करेंगे तो आप दो वेरिएबल्स में काम करेंगे, लेकिन अगर आप यहां से काम करेंगे तो सिर्फ आपको क्या देखना है, ए नॉट। अब आप खुद ही समझदार हैं कि सिंगल वेरिएबल में काम करना आसान पड़ेगा या डबल वेरिएबल में, तो ये आपको बताने की जरूरत नहीं। तो ये कुल मिलाकर कहानी है कि क्यों कहीं कहीं पर सूडो फोर्स हमको काम कर जाएगा, क्योंकि सूडो फोर्स में हम काम करेंगे मूविंग फ्रेम से, ठीक है ना। और मूविंग फ्रेम से काम करने में हमको एडवांटेज ये हो जाएगा कि उस फ्रेम का वेलोसिटी या उस फ्रेम का एक्सेलरेशन हम काउंट में नहीं लेते हैं, ठीक। अब इसको एक प्रॉब्लम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, वही है जो आपको अभी समझा रहा था उसी को आप नंबर में समझते हैं। ये एक वेज है, इस पर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए एम मास है और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा है एम मास, और ये एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, यानी कैपिटल ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस पे चढ़ के, मैं ग्राउंड से सवाल सॉल्व ही नहीं कर रहा हूँ, ग्राउंड से क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ग्राउंड से मुझे इसका एक्सेलरेशन भी देखना पड़ेगा और इसका एक्सेलरेशन भी देखना पड़ेगा, और मैं दो वेरिएबल्स में काम करने के मूड में नहीं हूँ। तो जब हम इस आदमी के हिसाब से एफबीडी बनाएंगे तो सबसे पहले तो रियल फोर्स बना लेते हैं एम जी और एम, एम जी का कंपोनेंट कर लेते हैं एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा, और क्योंकि इस आदमी का एक्सेलरेशन आगे को ए है
तो ये एक ब्लॉक के मास से अपने एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके पीछे को लगा लेगा, ये सूडो फोर्स है। इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। इसको मैंने एक्स एक्सिस लिया है, इसको वाई एक्सिस लिया है। एडवांटेज क्या है, इस आदमी के हिसाब से यहाँ मोशन हो ही नहीं रहा है, तो वाई एक्सिस पे सीधा सीधा इक्विलिब्रियम की इक्वेशन मिल गई, एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। और एक्स एक्सिस पे हमको क्या मिल जाता है बेटा, एफ नेट बराबर, अब मुझे नहीं पता कौन सा बड़ा छोटा होगा, अभी तो कोई क्वेश्चन में नंबर तो डाला नहीं है, तो एफ नेट बराबर मिल जाता है एम जी साइन थीटा माइनस एम ए कॉस थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ से तीन केस हो सकते हैं, जी साइन थीटा इज ग्रेटर देन ए कॉस थीटा, जी साइन थीटा बराबर ए कॉस थीटा, और जी साइन थीटा इज लेस देन ए कॉस थीटा। तो अकॉर्डिंगली अगर जी साइन थीटा बड़ा है तो ब्लॉक इसके हिसाब से, यानी कि इस वेज पे खड़े आदमी के हिसाब से नीचे की ओर आ रहा होगा और साथ में आगे तो बढ़ेगा होगा, ठीक है ना। अगर जी साइन थीटा और ए कॉस थीटा बराबर हो जाते हैं तो इस आदमी के हिसाब से यहाँ पर नहीं चल रहा होगा, यानी कि इसके हिसाब से रुक जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ग्राउंड के हिसाब से फिर इसे चिपक चुका है, तो फिर इसका एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा ए, तब ये एक यूनिट की तरह चलेंगे, और उस केस में आप चाहो तो एफ को क्या लिख सकते हो, एम प्लस एम ए। मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना फोर्स लगेगा, तो दिस ब्लॉक विल नॉट स्लिप ओवर दिस वेज, है ना। तो टेन थीटा बराबर ए अपॉन जी, इसको तो आप ऐसे याद भी रख सकते हो। और अगर जी साइन थीटा से बड़ा कहीं ए कॉस थीटा हो गया तो एक अलग चीज हो जाएगी कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ब्लॉक नीचे को जाने के बजाय कहाँ को उठने लगेगा, ऊपर को इसके हिसाब से। और अगर आप ग्राउंड से देखना चाहते हैं तो ग्राउंड से फिर आपको इसमें, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, ध्यान रखिएगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इस एक्सेलरेशन में आपको ये, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज में एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ऐड करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक हेमी स्फेरिकल कोई स्ट्रक्चर है बाउल कह लीजिए, और ये स्मूथ सरफेस पर रखा है, इस हेमी स्फेर का मास है एम और इसके ऊपर ब्लॉक रखा है। अभी ब्लॉक इस पर स्लाइड करेगा, ठीक है ना। जब ये ब्लॉक स्लाइड करेगा तो इसका अगर एफिडी बनाओगे तो यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक नॉर्मल रिएक्शन ब्लॉक लगाएगा किस पे, हेमी स्फेरिकल बाउल पे। इस एन का एक कंपोनेंट हो जाएगा एन साइन थीटा, एक हो जाएगा एन कॉस थीटा, तो एन साइन थीटा की वजह से ये ब्लॉक जो हेमिस्फेरिक वाला जो स्ट्रक्चर है ये पीछे को जा रहा होगा। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन कितना है ए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी भी एंगल थीटा पे आ जाता है और हमसे पूछ रहा है कि नॉर्मल रिएक्शन और सूडो फोर्स का रेशियो बताइए, ठीक है। तो अब जब आप एफबीटी बनाओगे तो ब्लॉक का बनाओगे एन एम जी, हम यहाँ से एफबीटी बना रहे हैं, ठीक है ना। और इस पर नो डाउट एक सूडो फोर्स लगेगा यहाँ को, सॉरी आगे को, ये सूडो फोर्स कितना हो जाएगा m टाइम्स a, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, n निकालने के लिए, n निकालने के लिए हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका n निकालेंगे तो अभी a हमारा अननोन है, तो हमने क्या सिंपल कर लिया, यहां से n साइन थीटा, क्योंकि इसके वर्टिकल फोर्स हटा दे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स सिर्फ क्या है, n साइन थीटा, n साइन थीटा बराबर आ गया एम ए, और n बराबर हो गया एम ए साइन थीटा, ठीक है ना। अब जो सूडो फोर्स है वो कितना हो जाएगा m टाइम्स कैपिटल a, तो n अपॉन सूडो फोर्स कितना हो जाएगा m, जो आपने निकाला था ma अपॉन sin थीटा अपॉन ma, कट गया, आंसर इज m अपॉन स्मॉल m sin थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने देखा, जस्ट फ्रेम शिफ्ट करके अगर आप ग्राउंड से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ तो खैर कर ही नहीं सकते थे क्योंकि यहाँ तो स्पेसिफिकली एग्जामिनर ने क्या पूछ लिया है, नॉर्मल का रेशियो सूडो फोर्स के साथ। दो क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, और मेरे ख्याल से इतना सफिशियंट होगा आपको समझाने के लिए कि सूडो फोर्स किस तरह से यूज करना है। और आगे तो मैंने बताया, जैसे सेंटर ऑफ मास रहा, रोटेशन रहा, कोई भी चैप्टर रहेगा, कहीं पे भी आप सूडो फोर्स को यूज कर सकते हैं। इस बार एक ट्रॉली है, इसको एफ फोर्स लगा रहे हैं, एक एम वन ब्लॉक, एक एम टू ब्लॉक, ठीक है ना। आपसे पूछा कि कितना फोर्स लगाया जाए कि जो ब्लॉक्स हैं वो इस ट्रॉली के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। तो मान लीजिए एफ फोर्स लगाया, आपका ट्रॉली का एक्सेलरेशन कितना हो गया ए। फिर से हम कहाँ से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ट्रॉली से, ग्राउंड से नहीं करेंगे क्योंकि ग्राउंड से फिर नीचे भी जाएगा, ये ऊपर भी जा रही होगी ना, सब ऐड करना होगा, तो इसलिए हम ग्राउंड से काम करना अवॉइड करेंगे। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आप m1 का FBT बनाओगे t, और इस पे क्या लगा देंगे, सूडो फोर्स। इसका FBT बना दिया मैंने, m2 g नीचे, t ऊपर, n यहाँ को, और इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा यहाँ लगेगा। तो इसके हिसाब से सेकंड ब्लॉक के हिसाब से t बराबर कितना आ जाएगा m2 g, और यहाँ के हिसाब से t बराबर कितना आ जाएगा m1 a, तो आपका एक्सेलरेशन कितना हो जाए। और क्योंकि ये रुका हुआ है, इसका मतलब सारा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से चल रहा है, और मैंने क्या सिखाया, जब सारा सिस्टम एक एक्सेलरेशन से चले तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करिए,
एम प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू ए कर दीजिए तो ये आपका निकल जाएगा नेट फोर्स टोटल, ठीक है ना। एक की जगह क्या लिख लीजिए, एम टू अपॉन एम वन जी। अब ये क्वेश्चन देखो, यहां पर हम एक क्वेश्चन शुरू में किया करते थे जिसमें ये वेज को फिक्स रखते थे और फिर इसका जो एक्सप्रेशन होता था जी साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते थे। अभी क्या है, ये स्मूथ है, फ्री छोड़ दिया, ये फिक्स नहीं है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस पे एन ऊपर, इस पे एन नीचे, तो इसका जो एन होगा इसका एक कंपोनेंट इसको पीछे को चला देगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसका एक्सप्रेशन पीछे को चला के कितना हो गया ए। अब हम दोनों का एफबीटी बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा, मैं आउटलाइन कर दे रहा हूं, ये है हमारा वेज, ठीक है। तो देखो, एक हमारा एन नीचे को आ गया, इसका कंपोनेंट कर लिया एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, बाकी एम जी हो गया एन डैश, मुझे वैसे ऊपर नीचे वालों से मतलब नहीं है, ठीक है ना। और एन साइन थीटा बराबर अब कितना हो जाएगा एम ए, ये मेरी क्वेश्चन नंबर हो गई वन, इसको ऐसे ही रख दिया। अब ब्लॉक पर आते हैं, ब्लॉक पे आते हैं तो एन एम जी और एक तीसरा फोर्स सूडो फोर्स, फोर्स सिर्फ तीन लग रहे हैं बेटा, एन एम जी और एम ए, ठीक है ना। बाकी सब मैंने बस कंपोनेंट करके बढ़ा कर दिया है। तो एम जी के दो कंपोनेंट कर लोगे एम जी साइन थीटा एम जी कॉस थीटा, और एम ए के दो कंपोनेंट कर लेंगे एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा, आपके सामने लिख दिया। मैं सूडो फोर्सेस को मैं क्या कर लेता हूं, मैं एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा, ये ठीक है ना। तो जो सूडो फोर्सेस है उनको हमने अंडरलाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जब हम इस ऑब्जर्वर के हिसाब से देखेंगे तो अच्छी बात क्या हो जाएगी, वाई एक्सिस पे सब स्टेबल हो जाएगा ना। तो इस पे आप देखोगे तो एन प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, यहां से हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे और इस एन की वैल्यू को निकाल के डाल देंगे किसमें, एन साइन थीटा बराबर एम ए में, और ये सब कट पिट के आपका बाकी मैथमेटिक्स है, आपका आंसर आ जाएगा एम जी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन एम प्लस एम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सूडो फोर्स में क्या करना है, आपको दो चीजें देखिए, कॉन्सेप्ट समझो, आपके पास दो चीजें मूव कर रही हैं, एक चीज के ऊपर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो आप क्या करो, जो ग्राउंड से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ग्राउंड से ना ऑब्जर्व कर करके क्या करो, एक सिस्टम पे आ जाओ, ठीक है ना। किस सिस्टम पे आ जाओ, किसी भी एक सिस्टम पे आ जाओ, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि किस पे हम आने पे जाओ, क्योंकि आपको हमेशा इस पे पूछेगा, इस पे पूछेगा तो हमेशा दूसरे पे आके इसको देखना है। तो जिसको देखना है उसको के लिए आप वेज पर आ जाओ, वेज मतलब वेज ट्रॉली कहीं पर भी आ जाओ। इससे क्या होगा, जो वेज या ट्रॉलीज के जो एक्सेलरेशन होंगे वो आपको अपने एफबीटी में शो नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, इससे अब आप कहोगे कि सर अगर हमको आंसर कोई ग्राउंड से पूछ ले तो क्या करना है, तो भी यही करना है। आपको कुछ भी चीज ग्राउंड से पूछे एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, पहले जाइए ट्रॉली पे, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज निकालिए और उसमें वेक्टर एडिशन कर दीजिए, वेक्टर ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, ठीक है ना। ठीक, एक दो क्वेश्चन कहिए तो और देख लेते हैं। चलिए अब जब देख ही रहे हैं तो यहां से बेटा आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले आप ये समझो कि एक बस 10 मीटर पर सेकंड से आपके सामने से जा रही है। ध्यान रखना, ये बस तब तक मोशन में है जब तक आप बस के बाहर हैं। अगर आप एकदम से बस के अंदर चले जाएंगे तो बस रुक जाएगी आपके लिए, यानी कि जो भी मीडियम की वेलोसिटी है, मीडियम माने जो भी सरफेस है, बस को आप एक मीडियम समझ लीजिए, लिफ्ट को आप एक मीडियम समझ लीजिए, जिस भी चीज को आप देख रहे हैं उसकी जो भी वेलोसिटी है वो आपको तभी तक नजर आएगी जब तक आप सिस्टम के बाहर हैं। यानी सिस्टम की वेलोसिटी को आप सिर्फ सिस्टम के बाहर से फील कर सकते हैं। वंस यू आर इनसाइड द सिस्टम, आपको सिस्टम की वेलोसिटी, जैसे अर्थ मूव कर रही है बट आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि आप अर्थ के अंदर हैं, लेकिन अगर आप मून पे चले जाएं, सिस्टम के बाहर निकल जाएं, तो आपको अर्थ की वेलोसिटी समझ में आ जाएगी। ट्रेन के अंदर आपको ट्रेन की वेलोसिटी समझ में नहीं आएगी, या तो आप बाहर देखिए, क्योंकि बाहर आपने पेड़ देखा तो आपको लगा पेड़ पीछे जा रहा है, आपने कहा नहीं पेड़ तो फिक्स होता है तो इसका मतलब ट्रेन आगे जा रही है, वहां पे आपने लॉजिक लगा दिया, समझे। लेकिन आप सोचिए कि वाकई हम ट्रेन को स्टैटिक करके बगल वाली पटरी पे एक पेड़ रख दें किसी उस पे ट्रॉली पर, और ट्रॉली को ऐसे करें कि आपको सिर्फ पेड़ का ऊपर का हिस्सा यहां जाता दिखे, तब भी तो आपका दिमाग क्या कहेगा, अच्छा पेड़ पीछे जा रहा है, लेकिन पेड़ तो फिक्स होता है, पेड़ पीछे नहीं जा सकता है, इसका मतलब कि आगे चल रही होगी ट्रेन। और ऐसा आपके साथ कई बार हुआ होगा प्लेटफॉर्म पे, जब आप ट्रेन पे बैठे होंगे, चल रहा होगा प्लेटफॉर्म वाला, आपको अचानक से लगा होगा आपकी ट्रेन चल रही है, फिर आपने इस तरफ गर्दन घुमाई होगी और इस तरफ गर्दन घुमा के तुरंत आपको अरे यार ये मैं थोड़े ना चल रहा हूँ, ये तो वो चल रहा था ट्रॉली वाला या प्लेटफॉर्म वाला। तो कहने का मतलब ये कि सिस्टम की वेलोसिटी के इफेक्ट तभी तक आपको देखेंगे जब तक आप सिस्टम के बाहर हैं, सिस्टम के अंदर आने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर ये लिफ्ट है, ठीक है ना, हमको पता है कि रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ सकती, अगर ये ब्लॉक एक्स से नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक एक्स से ऊपर आएगा, एग्री, चाहे इसको ग्राउंड वाला देखे चाहे इसको पुली वाला देखे आदमी। अब आप कहेंगे पुली पे आदमी कैसे बैठा, भैया बैठ गया, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं कि अगर ये पुली ऊपर चली जाती है
तब क्या होगा, ये एक्स और ये जो ऊपर एक्स जा रहा था इसमें कुछ एडिशन हो जाएगा, यानी एक्सलरेशन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होंगे, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पुली, और आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा जहां पे मैं हूं। जैसे अगर मैं इस ट्रॉली पे बैठा हूं और ये मैं चल रहा हूं, मैं अपना एफर्ट से चलता हूं 5 मीटर, लेकिन ये ट्रॉली यानी कि मैं यहां से यहां आता हूं, लेकिन इतनी देर में ट्रॉली ही आगे बढ़ जाती है, तो मैं ट्रॉली के साथ साथ मान लो 4 मीटर ट्रॉली आगे बढ़ गई यहां से, तो मैं 5 मीटर अपना चला और 4 मीटर ट्रॉली की वजह से, तो ग्राउंड से आप क्या लिखोगे, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज डिस्प्ले या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली कितना चले, यही तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। तो अब आप ये समझिए कि इसी तरीके से जब आप यहां से चलेंगे तो यहां से क्या होगा, जो पुली के रिस्पेक्ट में, तो विद रिस्पेक्ट टू पुली जो आपके एक्सलरेशन होंगे वो हमेशा सेम रहने हैं, ठीक है। तो एक्सलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली, ठीक है। यानी कि अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा कहां जाएगा, ऊपर। अब इसको क्या लिख सकते हो, एक्सलरेशन ऑफ वन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर माइनस एक्सलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा एक्सलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बराबर टू एक्सलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये आप याद रख सकते हैं कि जो पुली का एक्सलरेशन होता है वो दोनों ब्लॉक्स के का एवरेज हो जाएगा, एक्सलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का, ठीक है। ये कहां से होना है, ग्राउंड से। तो अब आप क्वेश्चन देखिए कि कहां से दे रहा है, अगर क्वेश्चन ग्राउंड से दे रहा है तो इस इक्वेशन को यूज करिए, और अगर ग्राउंड से नहीं दे रहा है तो आप पुली फ्रेम साइज, जैसे यहां से अगर आपसे पूछेगा कि इस ब्लॉक का एक्सलरेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, तो आप क्या करिए, आप यहां पर खड़े हो जाइए और जैसे वहां एफबीटी बनाते थे M1 का एफबीटी बना लीजिए, M1G T, ठीक है ना। मान लीजिए नीचे को आ रहा है A से, लेकिन क्योंकि ऑब्जर्वर ऊपर को A नॉट से जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहेगा नीचे को M1 A नॉट, ठीक है। ऐसे ही जब आप M2 का एफबीटी बनाइए तो M2G ऊपर टेंशन और इस पे भी नीचे को क्या बना लीजिए, M2 A नॉट, और ये ऊपर को आ जाएगा कितने से, A से। तो ध्यान रखिएगा ये जो A आप निकाल रहे हैं या इसको, ठीक है ना, ये A कहां से है, दिस इज एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू पुली, दिस इज एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू पुली, और एक्सलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है, एक्सलरेशन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू पुली, वो कभी चेंज होना नहीं है, ठीक है ना। अब अगर शॉर्ट में समझना चाहते हो तो नीचे क्या हुआ है, एक्चुअली नीचे कुछ नहीं हुआ है, जी के साथ क्या लग गया है, बस जी प्लस ए नॉट, हर जगह देखो जी की जगह क्या आ गया, जी प्लस ए नॉट। तो अगर शॉर्ट में समझना चाहते हो तो लॉन्ग में समझना चाहते हो तो इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो, ठीक है ना। क्या लिखोगे उस ब्लॉक के लिए जो इधर को नीचे को उतर रहा है, आप लिखोगे M1 G+A0 - T बराबर M1 A, ठीक है ना, क्लियर। और ये एक कहां से है, दिस इज, ध्यान रखना दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, जो आप निकाल रहे हो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पुली, और टी दूसरे ब्लॉक के लिए M2 के लिए T - M2 G+A0 बराबर क्या लिख लोगे, M2 A, और इसको सॉल्व करके A निकाल लो। अब कितना आएगा मैं ऐसे ही बता रहा हूं, देखो बेटा वहां A कितना आता था, M2 में जब ये A0 नहीं होता था तो आंसर ये आता था ना इतना, तो आपको सिर्फ क्या करना है, हर जगह G की जगह G+A0 कर देना है बस, तो आपका आंसर फटाफट निकल आएगा। टेंशन आप वहां क्या लिखते थे, 2M1 M2 / M1 + M2, ये क्या हो जाएगा, G+A0, बस इतना आपको कर देना, ठीक है। टेंशन कहीं से भी, टेंशन बोथ फ्रेम से सेम आएगी, ठीक है। ये एक्सेशन कहां से निकला है, ब्लॉक का पुली के रिस्पेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अगर ग्राउंड से पूछेगा तो एक्सलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में आप क्या करोगे, एक्सलरेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू पुली में ऐड कर दोगे किसका एक्सलरेशन, पुली का एक्सलरेशन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स हैं तो थोड़ा बड़ा लगेगा, मैं इसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, आप पहले इसको नोट कर लीजिए होल्ड करके। हम क्या करते हैं बेटा, ये
इसको कर देते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी ए नॉट को। यहां से एक ब्लॉक ले लेते हैं 6 केजी का और एक ब्लॉक ले लेते हैं ये 4 केजी का। ठीक है, अब सबसे पहले निकाल लेते हैं एक्सटेंशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली या एक्सटेंशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू पुली। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की। तो क्या हो जाएगा, एम टू माइनस एम वन प्लस एम टू प्लस एम वन इंटू जी प्लस ए नॉट। तो 10 प्लस 5 कितना हो गया, 15। तो ये हो गया 2 अपॉन 10 इंटू 15 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब ये 1 है और ये 2 है। अगर आप 1 का एक्सटेंशन निकालते हैं तो 1 का एक्सटेंशन नीचे को है 3 और ये ऊपर को जा रहा है 5 से, और 2 के लिए ये ऊपर को है 3 और साथ में ऊपर को, ठीक है ना, क्या करना है, ये 3 क्या है, 3 इज एक्सटेंशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली, और ये 5 क्या है, एक्सटेंशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको एक्सटेंशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए बार बार लिख रहा हूं, क्या करना है, एक्सटेंशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली में एड कर देना है एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऊपर को 2, ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा ऊपर को 8। ठीक है, और जो मैंने बताया था एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों क्या निकले, ये निकला एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये क्या निकला, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का हाफ क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ पुली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो आप देख सकते हैं ऊपर को 2 प्लस ऊपर को ही 8 अपॉन 2 कितना हो गया 5 और ये ऊपर को कितना हो गया 5, एकदम मैच कर रहा है। तो हमने जो रिजल्ट निकाला था दैट वाज करेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपका काफी हद तक क्लियर कर देगा हाउ टू यूज सूडो फोर्स, किस तरह से फ्रेम को यूज करना है और किस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो आपको शॉर्टकट तरीके से काम करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड प्रैक्टिस करिए अच्छे से, जो भी आपके पास बुक है उससे प्रैक्टिस करिए, मेरे ख्याल से ज्यादातर क्वेश्चन आपके सूडो फोर्स पे लगेंगे। ठीक, थैंक यू।